बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम सब बहन भाई कैसे हैं जी। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं आप सब सदा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो फ्रेंड मैं फिश बनाने लगी हूँ, इसको मसाला लगाते हैं और फिर इसको थोड़ी देर के लिए मसाला लगा के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। चलिए मसाला लगाते हैं फिर अपने बहन भाइयों को दिखाते हैं। ये है जनाब फिश मसाला मज़ेदार सा टेस्टी सा। 5 kg फिश मैंने ली है जी और इसको हम लगाएंगे मसाला ज़रा धमाकेदार सा तेज़ सा मसाला, क्योंकि फ़िश को अगर मसाला तेज़ ना हो तो फ़िश मज़ा नहीं करती। तो ये जनाब फ़िश मसाला है डिब्बे वाला, वो हमने एक डिब्बा डाल दिया जी। इसके बाद हमने ये इसके ऊपर सॉल्ट डाला है जनाब, हस्ब ज़ायका जितना आपको ज़रूरत हो उतना नमक डालेंगे। उसके बाद रेड चिली डालेंगे जी, लाल मिर्चें। मैं तो थोड़ा तेज़ मसाला खाती हूँ, मेरे बच्चे भी तेज़ पसंद करते हैं, इसलिए फ्रेंड मैं तेज़ डाल दूँ, आप अपने हिसाब के मुताबिक डालें। तो माशाल्लाह जी ये हमने मसाले सारे डाल दिए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे लेमन जूस। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी फ़िश बना रही हूँ। आज सर्दियों की पहली बारिश हो रही है, बहुत ही मज़ेदार सी, तो मैंने कहा चलें जी फ़िश बनाते हैं, मौसम को इन्जॉय करते हैं थोड़ा सा। तो जिस जिस मेरे बहन भाई ने खानी है वो भी आ जाए हमारे साथ और माशाल्लाह खाएं। तो अभी फ्रेंड मसाला लगा के हम 1 घंटे के लिए इसको रख देंगे और इंशाल्लाह फ्राई करके फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह फ्रेंड देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी फिश तैयार हो चुकी है, तल के हमने रख लिए। जिस चीज़ हमारे बहन भाई ने आके खानी है खाएँ हमारे साथ, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है जी। इसके साथ हमने ग्रीन चटनी बनाई है, इसके साथ हमने जनाब रायता बनाया है, तो बहुत ही मज़ेदार है फ्रेंड। इसी के साथ दें हमें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।